और बेटा आप लोग कैसे हैं? सभी लोग अच्छे? पढ़ाई अच्छी चल रही है? जैसा मैं अपेक्षा करता हूँ वैसा ही तो पढ़ाई कर रहे हैं ना आप लोग? चलिए अच्छी बात है। तो दोस्तों हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे, ठीक है ना? तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट तैयारी में। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर भी दे रहे हैं और हमें मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में। आप ऐसे अगर सपोर्ट थोड़ा भी करते रहेंगे तो गारंटी है कि अब सरकारी नौकरी आपसे दूर नहीं है। गारंटी कि मैं सरकारी नौकरी आपको दिला के रहूँगा अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ, मेरे कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना कॉन्फिडेंस मिला करके चलेंगे। जैसा कि मेरा एक फार्मूला है ना, JJJ, जोश जज्बा और जुनून। जिसके अंदर जोश जज्बा जुनून है, ऐसे बहुत सारे लॉकडाउन आएंगे और उसको हम अपने जोश जज्बा जुनून से ख़त्म करते जाएंगे, ठीक है ना? तो हम लोगों को बिल्कुल बी केयरफुल एंड बी स्ट्रांग हो करके अपनी एजुकेशन को पीछे नहीं करना है और उसको और भी मजबूती से हमें लाना है, ठीक है ना? मैं इसीलिए यूट्यूब पे इस समय आपके लिए टाइम निकाल के मैं पढ़ा रहा हूँ, लॉकडाउन में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। तो सीधी सी बात है कि मेरे बच्चों का जो है प्रैक्टिस न छूटे, इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना? GS वाले सर, सुभाष सर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना? और आप लोगों के अंदर एक आदत है कि आप लोग वीडियो जो क्या करते हैं ना, थोड़ा से देखते हैं फिर बंद कर देते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो बेटा आप समझो इस चीज़ से सर को या हमें भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होने लगती है कि आप लोग वास्तव में, मतलब हम आपके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते हो, हमें ये समझ में नहीं आता है, या वीडियो आपको देखने से कोई दिक्कत होता है। तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि सर हम लोग मोबाइल पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो देन सारी चीज़ें सोचा जाएगा। बट अब हम लोगों का ये सिद्धांत है कि इतने दिन का जो गैप है इसमें भी हम आपका कवरअप कर सकें, इसलिए बेटा हमको कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं और कोई हमें शौक नहीं है, ठीक है ना? हम आपकी भलाई चाहते हैं और आप हमें अच्छे से जानते भी हैं कि हम वही संजय सर हैं जो आपके हमेशा हित के लिए ही तो काम करते हैं। तो आप अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम लोगों को भी मज़ा आए पढ़ाने में, ठीक है ना? तो आज अपना ये पार्ट 5 लेकर के आ रहे हैं, कार्य तथा समय में पार्ट 5 लेकर आ रहे हैं, कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न। कहा जाता है कि कार्य क्षमता के क्वेश्चन भी करने में हमें बड़ा दिक्कत होता है, कार्य क्षमता के क्वेश्चन करने में थोड़ा से मिस्टेक हो जाता है, प्रॉब्लम होता है, क्या है कैसे है, तो इस टाइप के सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप घबराइए नहीं, गारंटी है कि आपका परफेक्ट और आपको आ ही जाएगा, ठीक है ना? तो केवल आप एक बार केयरफुल होकर के, केवल एक बार केवल ध्यान दे दीजिए, कन्फर्म है कि हम कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? आते हैं हम लोग कार्य क्षमता पर आधारित प्रश्न अब करते हैं। एक क्वेश्चन है, एक से हमने 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं और चारों क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, ठीक है ना? फिर इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे आप, ठीक है? देखिए, ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी का क्या है? 3 गुना। कार्य क्षमता हमेशा एक, बस इस चीज को आपको ध्यान देना है कि जो कार्य क्षमता होता है, ठीक है ना, कार्य क्षमता जो होता है कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो व्यक्ति तो एक ही करेगा। हमारी कार्य क्षमता दूसरे से क्या है, तो हम तो एक ही है ना, तो हमारी कार्य क्षमता क्या है? तो तुरंत कार्य क्षमता क्या है? ए की कार्य क्षमता बी का 3 गुना है। क्लियर? तो जस्ट उल्टा ले लेते हैं सीधा सीधा पहले क्वेश्चन में, यानी 3:1 बना दे, ए और बी कर दे। ए की कार्य क्षमता बी का कितना है? 3 गुना है। ए की कार्य क्षमता बी से कितना है? 3 गुना है, ठीक है ना? मतलब 1:3 हुआ तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1:1, इसलिए कार्य क्षमता हमेशा उसका उल्टा ले लेते हैं, 3:1। 1:2 है तो 2:1 ले लेंगे, 2:1 है तो 1:2 ले लेंगे। क्लियर? बस ये ए का कार्य 3 है, बी का कार्य 1 है, बस। तो आपको मेन चीज ये था, ये आपने ध्यान दे दिया। तो आपने अगर ये ध्यान दे दिया तो बहुत बेसिक सी चीज है। अगर हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखिए, हमसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, का ए किसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है तो बी का कार्य है ना, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 60 दिन में। ए का कार्य क्षमता कितना है? 3, और ए कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 60 दिनों में, तो 3 × 60 कर दीजिए। हमसे किसका पूछा है कि बी कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी का कार्य क्या है? 1, तो 1 × क्या कर दीजिए? यक्स। तो देखिए, तो यक्स बराबर 36 18, मतलब 180 दिन। तो ए का कार्य कितना आ गया? 180 दिन। और किसका कार्य, सॉरी, बी का कार्य कितना आ गया? 180 दिन। बताइए कितना सिंपल है। आप क्वेश्चन सोचेंगे और यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखिए एक बार फिर समझ लीजिए, तुरंत कहा है क्षमता, ए की कार्य क्षमता बी का कितना है? 3 गुना। कार्य क्षमता मतलब उल्टा ले लेंगे, 3:1, ए 3 बी 1। हमसे क्या कहा, ए किसी कार्य को 60 दिन में, तो ए का कार्य 3 है, तो 3 × कितने दिन में? 60 दिन में। हमसे किसका पूछा है? बी का, तो बी का मतलब बी का कार्य क्या है? 1, 1 × x, तो 36 18, मतलब 180 दिन। तो किसका कार्य क्षमता आ गया हमारा?
किसका कार्य आ गया, बी का कार्य कितना आया 180 दिन। क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन बी नंबर इसका देखिए, बी कार्य को कितने दिन में करता है, 60 दिन में। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, देखिए बी कार्य को कितने दिनों कर रहा है, 60 दिन में, और कार्य क्षमता 3:1 यही तो लिए थे, ए का कार्य क्षमता और बी का, ए का 3 है बी का 1 है, बी का कार्य क्षमता कितना है 60, तो बी का कार्य क्या है 1 × 60। तो अब क्या कहा है यहाँ पे देखिए, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिनों में करेंगे, दोनों मिला दो 3 × 1 तो दोनों मिलेंगे तो 3 × 1 कितना हो गया, जोड़ दीजिए 3 × 1 = 4, और कितने दिन में, मतलब यक्ष 15 × 4 = 60, यानी कितने दिन में कार्य को करेंगे 15 दिन में। कौन कौन करेगा 15 दिन में, दोनों मिलकर के, दोनों मिलकर के कार्य को कितने दिन में करेंगे 15 दिन में। और आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है। अब इसके बाद हमें दे रखा है सी नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, सी नंबर कैसे करते हैं हम लोग, दोनों मिलकर कार्य को 60 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा। अब दोनों मिलकर के 60 दिन में कार्य को कर रहे हैं, अब आ जाइए तुरंत, ए बी का कार्य क्षमता कितना लिए थे 3 × 1, अब दोनों मिलकर तो 3 × 1 = 4, 3 × 1 जोड़ दे, दोनों मिलकर कह रहा है तो 3 × 1 = 4, और कितने दिन में 60 दिन में, देखिए 60 दिन में। तो क्या कहा है हमसे, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ए का कार्य क्षमता कितना है 3, तो 3 × 1 = 20 × 60, यानी यक्स बराबर 20 × 4 कितने दिन ले लेगा 80 दिन, यानी कि ए का अकेला कार्य कितने दिन में कर लेगा अब 80 दिन में कर लेगा। क्लियर क्लियर। अब आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, मतलब डी नंबर, अब एक बात समझिए, ए कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन कम समय में करता है, अब तुरंत आपका वही रेशियो 1:3:1, जब भी भाई समझ लो बेटा कि जब भी ए कार्य को बी की अपेक्षा 60 दिन कम में करता है, तो तुरंत इनके रेशियो का अंतर यानी 3 − 1 कितने दिन में 60 दिन में, तो 3 में से 1 गया 2, 2 के बराबर 60, तो 20 × 60, देखिए 30 × 2 = 60 काट दें, 30 × 2 = 60, तो 1 के बराबर कितना आ गया 30, यानी कि ए जो है 30 × 90 दिन में करेगा और बी 30 से कम 30 दिन में करेगा, यानी ए 90 दिन में करेगा तो बी कितने दिन में करेगा 30 दिन में करेगा, तभी तो देखिए इससे 60 दिन अधिक में कार्य कर रहा है। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो बताइए दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो देखिए ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 90 दिन में, बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 30 दिन में, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिला दीजिए दिन को, 90 और 30 कितना हुआ 120, और गुणे क्या कर दीजिए x, 3 × 4 = 12, 4 आया, इसको x बराबर 2 × 4 = 45, 2 × 90 यानी 45/2, यानी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे 22.5 दिन में कार्य को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, एक बार इसको मैं फिर से आपको समझा दे रहा हूँ, ए की कार्य क्षमता बी की अपेक्षा 60 दिन कम है, यानी 3:1 का अंतर कर दें, क्योंकि कम कम है तो भैया अंतर करेंगे, तो 3 में से 1 गया 60, यानी 1 के बराबर 30 × 2 = 60, 1 के बराबर 30, यानी ये 90 दिन में कार्य करेगा तो ये 30 दिन में कार्य करेगा। अब हमसे क्या कहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे कार्य को, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए दोनों मिला दीजिए, अच्छा ए का कार्य कितना है 90 90, बी का 30 90 × 30, अब दोनों मिलकर के अगर दोनों ये दोनों मिल जाए तो कार्य कितने दिन में होगा, तो दोनों को मिला दीजिए 90 30 कितना हुआ 120, और इनको सरल कर दीजिए तो 22.5 दिन आ गया। क्लियर। अब दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें जो हम आपको क्वेश्चन देने जा रहे हैं केवल 1:1 हम चेंज करेंगे और आपको इसका आंसर देना होगा, 3 की जगह हमने कर दिया 4 गुना, ठीक है ना, हमने 3 की जगह क्या कर दिया 4 गुना। अब इनके सबके आंसर आपको देने हैं कि जो जो पूछा गया अब इसका आंसर देना है आपको कि आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जो है अपने कमेंट बॉक्स में लिख देना सभी लोग, ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा अगला आएगा वीडियो कार्य तथा समय का पार्ट 6 जो आएगा वो होगा बारी बारी पर आधारित प्रश्न, ठीक है ना, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते जा रहे हैं और सारे वीडियो को बहुत अच्छे से देखते जाइए, ठीक है ना, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है ना, ताकि हमें भी अच्छा लगे।
ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। धन्यवाद।